हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टीफन गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो अभी क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट की जो सेकंड टाइप है, अभी लास्ट वीडियो में अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को देखा है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट की फर्स्ट टाइप को देखोगे, लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड थी और दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट की सेकंड टाइप को लेकर के। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट की जो सेकंड टाइप है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में रहेगी। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो आदमी है, जो पर्सन आपको दिए जाएंगे वो क्या होंगे, एक रो के अंदर आपको सेट करके दिए जाएंगे कि एक लीनियर फेज के अंदर, मतलब एक रो के अंदर या फिर डबल रो के अंदर कुछ लोगों को सिट किया गया, कुछ लोगों का अरेंजमेंट किया गया। तो इसी तरह से इस वाली सेकंड टाइप के अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर कुछ आदमियों को सर्कल के अंदर बिठाया जाता है, सर्कल की तरह अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहां पर दो सर्कल यहां पर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस सर्कल के अंदर क्या है, सबसे बड़ी बेसिक जो चीज है, अगर वो समझ गए तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। बाकी जो है कि अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लास्ट वाली वीडियो को जरूर देख लो एक बार, क्योंकि अगर बेस वहां से आपका क्लियर होता है तो सेकंड वीडियो को देखना और समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या है कि इस सर्कल के अंदर फर्स्ट जो राउंड है आपका और सेकंड, ये जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के अंदर जो एरो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जब आदमी आपके एक सर्कल में बैठे हैं और उनका जो फेस है वो टूवर्ड द सेंटर होगा, मतलब सेंटर की ओर सभी का फेस क्या होगा, सेंटर की ओर होगा। ये एरो जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि सभी आदमियों का जो फेस है वो क्या है, सेंटर की ओर है। और सेकंड वाले सर्कल के अंदर क्या है कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एरो आपको बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसका मतलब सभी पर्सन का जो फेस रहेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा, मतलब सर्कल सेंटर से दूसरी ओर उनका फेस किया जाएगा। अब इसमें क्या बात है कि ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर सेंटर की ओर उनका फेस किया गया है तो लेफ्ट और राइट उसी तरह से आप अरेंजमेंट करोगे। अगर उनका अवे फ्रॉम है सेंटर से, मतलब दूसरी ओर है सेंटर की ओर से उनका फेस, जैसे इधर एरो आपको इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा आपका, लेफ्ट और राइट उस तरह से आप उसका अरेंज करोगे। तो मतलब क्या है, देखो, अगर एक आदमी अंदर की ओर उसका फेस किया हुआ है, सेंटर की ओर उसका फेस किया हुआ है, तो उसका जो राइट रहेगा वो इस साइड रहेगा और जो लेफ्ट साइड रहेगी वो इस साइड रहेगी। तो जब आप इस साइड से चलोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको उसी तरह से सेकंड पर्सन का भी जो लेफ्ट राइट रहेगा वो इस साइड मिलेगा और लेफ्ट जो मिलेगा इस साइड से मिलेगा। और इसी तरह से सेकंड थर्ड पर्सन का देखोगे तो राइट और लेफ्ट इस तरह से सेट किया गया है। अगर फोर्थ आदमी को देखोगे तो उसका भी राइट और लेफ्ट इस तरह से अरेंज किया गया है। अगर आप अपने आप को एक सर्कल के अंदर बैठे हुए समझ सकते हो तो आपको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन जो है, साइड जो आपको पता चल जाएगी। और दूसरी में देखो, अगर आप इसमें देखो तो इनका जो फेस है वो एरो के थ्रू आपको इंडिकेट बाहर की ओर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका लेफ्ट अब चेंज हो चुका है और राइट आपका इस साइड चेंज हो चुका है। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको फिर वही से सेकंड आदमी का लेफ्ट और राइट इस तरह से, फिर थर्ड आदमी का भी लेफ्ट और राइट, फिर आपको फोर्थ आदमी का भी लेफ्ट और राइट इस तरह से मिल रहा है। अगर आप सेकंड वाले सर्कल को भी आप इसी तरह से अपने आप को प्रैक्टिकली समझोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट और राइट साइड्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सीधा हम क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन हमारा किस तरह से पेपर के अंदर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आओ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि आपके सामने ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो सर्कल अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले तो आपने समझना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो गारंटी से बोल रहा हूं मेरे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ही आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा, देखो, सिक्स गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। तो एक सर्कल के अंदर वो बैठे हैं, मतलब एक सर्कल बना करके बैठे हैं, जैसे फ्रेंड्स बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ तो सर्कल बना के बैठते हैं, तो फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। अब वही बात आ गई कि उनका जो फेस है वो टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर उनका क्या है, फेस है। तो बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ राम। आप पहले क्या करो इस चीज को, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा कि आपने पहले क्या करना है, सीधी सी बात है कि एक आपने दो चीजों को, दो कंडीशन को लेकर के चलना है। दो कंडीशन को कैसे लेकर के चलोगे, देखो मैं बोल रहा हूं कि इधर इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बिंदु इज द लेफ्ट ऑफ राम। एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि सभी का जो फेस है वो टूवर्ड द सेंटर है, मतलब सेंटर की ओर उनका क्या रहेगा, फेस रहेगा। ये आपका एक सर्कल है, क्लियर करवाते हैं आपको, ये आपका सर्कल हो गया, सेंटर इसका ये हो गया और सभी का फेस अंदर साइड होगा,
सर्कल की ओर होगा, सभी का फेस इस तरह से। तो अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट और लेफ्ट भी उसी तरह से आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा है कि बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, अगर राम मान लो ये है तो अगर इसका फेस सेंटर की ओर है, सेंटर ये सेंटर हो गया, तो इसका जो लेफ्ट रहेगा, देखो राइट इसकी साइड ये रहेगी और लेफ्ट साइड इसकी इधर वाली रहेगी। बात क्लियर हो रही है? तो लेफ्ट साइड इधर वाली होगी तो बिंदु इसके लेफ्ट में है, तो बिंदु इसके लेफ्ट में आ गई। बात क्लियर है? बिंदु इसके लेफ्ट में आ गई तो ये बात हो गई क्लियर। अब रेखा इज इन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, कह रहे हैं कि जो रेखा है वो बिंदु और मुमताज के बीचकार में है। बिंदु ये हो गई, एक जगह को छोड़ो मुमताज ये हो गया, और हमारी जो रेखा है वो इसके बीच में बैठी है। देखो बिंदु, रेखा और मुमताज, ये आपके पास कंडीशंस बन चुकी हैं। अब जस इज बिटवीन राम एंड निर्मला, अब राम एंड निर्मला के बीचकार कौन है? जस है। देखो बात सुनो, ये रेखा, रेखा को हम आर ई से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि राम हमारे पास दो बार आ चुका है। देखो आर हमारे पास दो बार आ चुकी है, रेखा भी आर से और राम भी आर से, इसीलिए मैंने रेखा को आर ई से इंडिकेट कर रहा हूं। देखो क्या बोल रहे हैं कि जस जो है वो क्या है कि बिटवीन राम एंड निर्मला, राम और निर्मला के बीचकार, राम और निर्मला ये हो गई, राम और निर्मला के बीचकार कौन आ रहा है? जस आ रहे हैं। तो यस हो गया, तो यस हमारा इधर हो गया। तो हु इज द, अब इसी वाली पूरी अरेंजमेंट को आपने क्या करना है, इधर सेट करना है। तो मान लो राम आपका ये हो गया, बिंदु आपकी लेफ्ट में आ गई, ये बिंदु का साइन है, ठीक है, और रेखा आपका इस साइड सीटिंग की हुई है, और इस साइड मुमताज की सीटिंग है, और राम से इस साइड जैसा आ गया, और इस साइड पे आपका निर्मला आ गई। ये आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट में आ चुका है। देखो अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे तो सीधी सी बात एक चीज और बता रहा हूं आपको, बड़ी सिंपल सी रहेगी ये, तो मैंने अपने ओर से करवा दिया। देखो एक सर्कल बनाओ, जैसे आप ताश खेलते हो, ताश खेलते टाइम आपको पता होगा कि आप दो दो पार्टनर एक साइड होते हो, मतलब एक दूसरे के आमो सामने बैठते हो। इसी तरह से जो छह पर्सन है इधर, जो सिक्स पर्सन है, तो सिक्स पर्सन मतलब तीन पर्सन जो रहेंगे वो एक दूसरे के सामने सामने रहेंगे। तो मतलब ये हमारा सर्कल हो गया, तो सर्कल का ये सेंटर, अब इस पर्सन के सामने ये वाला पर्सन, इस पर्सन के सामने इधर वाला पर्सन, और इस पर्सन के सामने ये वाला पर्सन हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो, देखो ये लो, इस तरह से आप एरो से भी इंडिकेट कर सकते हो, ये आपके लिए आसान रहेगा। अगर हम बोले कि राम इस साइड है तो फिर बिंदु, फिर रेखा, फिर मुमताज, फिर राम से इधर जैस, और जैस से इधर निर्मला, ये आपकी हो गई अरेंजमेंट। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ मुमताज, मुमताज के लेफ्ट में कौन है, मुमताज के लेफ्ट में कौन है? अगर आपको पता है कि राम की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, बिंदु की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, ठीक है, और रेखा की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, और मुमताज की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, और निर्मला की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, अगर आपको पता है तो इसी तरह से जस की भी राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये बड़ी हो गई। अगर आपको पता है तो देखो मुमताज के लेफ्ट में कौन आ रहा है, तो मुमताज के लेफ्ट में निर्मला आ रही है, मुमताज के लेफ्ट में निर्मला आ रही है, तो निर्मला इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका उसी तरह से सर्कल अरेंजमेंट के ऊपर ही बेस्ड रहेगा, और आपका बहुत आसान ये क्वेश्चन है, खुद कर लोगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अ पैनल ऑफ फाइव मेंबर सिटिंग, एक सर्कल है, एक पैनल है, उसके अंदर आपको पांच मेंबर्स दिए गए हैं जो कि एक सर्कल बना करके बैठे हुए हैं। देखो इन अ सर्कल, ये सर्कल बना दिया, और फेसिंग टू द ऑपोजिट सेंटर, और जो उनका फेस रहेगा वो सेंटर की ओर ना होकर के, अब उनका जो फेस रहेगा सेंटर से बिल्कुल ऑपोजिट है, दूसरी साइड रहेगा। ये पहले तो आपने क्या करना है, एक सर्कल को मार्क करो, एक सर्कल बन गया आपके पास, ये सर्कल बन गया, ये उसका सेंटर हो गया। इसका मतलब तो आपको बिल्कुल सीधा हो गया कि अब मैं आपको एक एरो बना के दे रहा हूं कि सभी पर्सन का जो रहेगा वो साइड की साइड रहेगा, सेंटर से दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड से उनका क्या रहेगा, फेस रहेगा। ये देखो पांच मैंने एरो लगाए हैं, तो पांच एरो का मतलब यही हो गया कि पांच हमारे मेंबर हैं, जो इन्होंने पांच मेंबर्स कहे हैं,
और इनका जो जो फेस है वो ओपोजिट है, देखो सेंटर से बिल्कुल ओपोजिट इनका फेस मैंने एरो के साथ इंडिकेट कर दिया है। दूसरी बात देखो, साथ साथ में आप स्टेटमेंट को ड्रॉ करते जाओ कॉपी के ऊपर, फिर आपको आंसर बहुत खूब खूब आपके सामने आ जाएंगे, नजर आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ए इज इन द मिडल ऑफ बी एंड ई, बी एंड ई के क्या है मिडल पे है, बी और ये ई इसके मिडल पे क्या आ गया ए आ गया, एंड डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखो बात ऐसी आ गई कि इन्होंने कहा कि डी जो है वो ई के लेफ्ट में है, इस ई के लेफ्ट में क्या आ गया डी आ गया। अब देखो दो कंडीशंस बन रही हैं कि ए इज द मिडल ऑफ बी एंड ई, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, जो मैंने आपको कहा कि दो दो कंडीशन लगा सकते हो आप। देखो ई और बी के बीचकार जो है ए आ रहा है वो इस तरह से भी आ सकता है, और दूसरी कंडीशन वो बी और ई के इस तरह से भी बीचकार में आ सकता है। तो इन्होंने कहा कि अब डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब ई के लेफ्ट में क्या आ रहा है डी आ रहा है, हम कैसे इंडिकेट कर पाएंगे कि ई का लेफ्ट कौन सा है, तो सेंटर से इनका जो फेस है वो ऑपोजिट साइड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी राइट साइड ये रहेगी लेफ्ट साइड ये रहेगी, इसकी राइट साइड ये रहेगी लेफ्ट साइड ये रहेगी, मतलब अब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड इनकी ई की इधर आ गई, ए वाली लेफ्ट साइड आ गई, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ऊपर वाली स्टेटमेंट देखो ई का राइट साइड इधर वाला हो गया, ये राइट साइड हो गया, और ये वाला उनका लेफ्ट साइड हो गया ई का, तो ई के लेफ्ट में डी आ गया, तो डी आप इधर लिख दो बस चुपचाप, ये डी को आप लिख सकते हो जब आपको इनका लेफ्ट और राइट पता चल जाए। और दूसरी बात, और इन्होंने कहा एंड राइट ऑफ सी, अब सी देखो अगर एंड आ गया, अगर एंड आ गया तो इसका मतलब ये डी की बात कर रहे हैं, तो डी की बात हो रही है, देखो डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में है और सी के राइट में है, तो सी का राइट क्या हो जाएगा, देखो अब सी अगर इस साइड लगाए तो सी का राइट तो ऑब्वियस है कि इस साइड आ जाएगा, क्योंकि इनका सभी का जो फेस है वो ऑपोजिट है सेंटर से, ये लेफ्ट आ गया, तो सी का राइट ये साइड आ गई, तो सी के राइट में डी आ गई और डी ई के लेफ्ट में आ गया, ये बात क्लियर होगी। देखो पांच के पांच हमारे मेंबर सेट हो गए इस तरह से। अब लिख सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से इस सर्कल के अंदर, ये आपका ई ए बी, ई ए बी और डी और सी, ये आपका हो गया क्लियर। देखो इधर हमने सर्कल के अंदर इन सभी पांच मेंबर्स को क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ बी, अब बी की पोजीशन कौन सी है, बी की पोजीशन अब कौन सी है, अब अगर ऑप्शन दी जाएंगे आपको तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दी जाती है, आपको इस तरह से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं साथ में, देखो ए ऑप्शन में दे रहा हूं कि बी इज राइट ऑफ राइट इन ए, मतलब बी जो है वो ए के राइट में है, या फिर दूसरी ऑप्शन दे रहा हूं बी इज इन मिडल ऑफ डी एंड ए, मतलब सेकंड ऑप्शन में आपको जो बी है वो किसके मिडल में आ रहा है, डी और ए के मिडल में आ रहा है, ये आपकी सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में देखो, थर्ड ऑप्शन आपकी मैं दे रहा हूं कि बी इज द इज राइट इज इन राइट ऑफ ई, तो ये आपकी थर्ड ऑप्शन आ गई। डी ऑप्शन में देखो क्या दे रहा हूं, डी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं अगर लेफ्ट इसका ये रहा और राइट इनका ये रहा, तो इनका भी हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट इनका ये रहा और राइट इनका ये रहा, और इनका भी लेफ्ट और राइट इनका भी लेफ्ट और राइट ये रहा, सॉरी इधर से हम गलत करके थोड़ा सा, लेफ्ट और राइट ये रहा, बात क्लियर हुई। तो हम लिखेंगे इधर कि बी इज इन लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट इन बी, सॉरी राइट इन ए। देखो ऑप्शन में अब आपको बताया गया, देखो ऑप्शन कैसी भी आपको आ सकती है, ये मैंने खुद बनाई है आपके सामने ये ऑप्शन। देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ बी, बी की अब पोजीशन देखनी है आपने, बी ये इधर पड़ा हुआ है तो बी कहां पर है, देखो बी इज राइट ऑफ ए, ए के राइट में आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, तो मतलब राइट में ए के राइट में बी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है,
तो बी इज इन मिडल ऑफ डी एंड ए, डी एंड ए के मिडल में आ रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी और ए के मिडल में सी और बी आ रहा है। इसका मतलब हमारी सेकेंड टाइप क्या हुई, गलत हो गई। ए टाइप हमारी बिल्कुल सही है, तो ए को हम टिक करेंगे। दूसरा, बी इज इन राइट ऑफ ई, अब ई के राइट में क्या बी आ रहा है, बिल्कुल गलत है, तो ई के राइट में ए आ रहा है और ए के राइट में बी आ रहा है, तो हमारी ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गई। अब बी इज इन लेफ्ट ऑफ सी, अब सी के लेफ्ट में बी है, बिल्कुल सही है, और एंड राइट इन ए, और ए के राइट में क्या है बी है, तो ये भी सही है। मतलब हमारे पास ए और बी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गई, सही हो गई। तो आपके साथ एक पांचवी ऑप्शन भी बनती है कि आपको दिया जाता है कि ए और डी इज द करेक्ट आंसर, तो आपने फिफ्थ ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट करना है, अगर आपको फिफ्थ जो आपको टाइप सॉरी ऑप्शन दी जाती है। तो इस तरह से आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आपकी सही हो रही है। तो इस तरह से आपने बी की पोजीशन को क्या किया, इंडिकेट किया। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस सर्कल अरेंजमेंट से और लीनियर अरेंजमेंट से आपको मिल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहो। हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि प्रैक्टिस के बिना कभी भी रीजनिंग आपको नहीं आएगी, और ये सीटिंग अरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स जो है वो आपको समझ करके प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड टाइप की ओर लेके चलेंगे। जय हिंद।